हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जब आप पैन कार्ड बनाते हैं तो उस दौरान आपसे फ़ोटो मांगा जाता है जिसका पिक्सल होता है 213x213 और जो उसका क्या बोलते हैं जो DPI होता है वो 300 DPI होता है। और आपको KB जो मांगा जाता है, KB आपसे 30 KB के अंडर में फ़ोटो मांगा जाता है। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने फ़ोटो को 213x213 पिक्सल में कर सकते हो, वो भी 300 DPI में और 30 KB से नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने PC में आके फोटोशॉप यहाँ से ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। आपके पास अगर फोटोशॉप नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना, ऑनलाइन आपको वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। या फिर आप अडोब फोटोशॉप 7.0 हो आपके पास तो उससे भी आप ये कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से क्रॉप टूल जो है इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे ऊपर विड्थ हाइट एंड रिजोल्यूशन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे विड्थ पे डालना है 1.8 डालना है और सेंटीमीटर यूनिट अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। विड्थ हाइट में दोनों में सेम रखना है 1.8 और 1.8, और यहाँ रिजोल्यूशन में आपको दे देना है 300। ठीक है, 300 देने के बाद आपको यहाँ से क्रॉप करना है। अब जो आप इसमें जो भी क्रॉप होगा ना वो 213x213 के पिक्सल में होगा और 300 DPI मतलब 300 इसका रिजोल्यूशन यानी 300 DPI में ही होगा। ठीक है ना, उससे ऊपर होगा ना उससे नीचे होगा। तो आपको इसको अपने हिसाब से फ़ोटो को सेट कर लेते हैं। फ़ोटो को इस तरीके से सेट कर लीजिए ताकि आपका जो फ़ोटो है उसके अंदर आ जाए। मैंने इसको फिट कर लिया है, अब इसके बाद एंटर। अब आप इसको सेव कर लीजिए। जब आप इसको सेव कर लीजिए कहीं भी, जहाँ भी आप चाहें वहाँ सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पे फ़ोटो के नाम से सेव कर लेता हूँ, JPG में सेव करना है। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, बट हमको 30 KB से नीचे चाहिए तो हम इसको पूरा 0 पे कर देंगे, जिसमें हमें KB शो हो रहा है 25.5 KB, यानी 25 KB के अंडर जो हमारा फ़ोटो है वो आ जाएगा। और फ़ोटो का क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ से, फ़ोटो क्वालिटी कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, बट जब आपका फ़ोटो जब पैन कार्ड आपका बन करके आएगा तो उसमें आपका जो फ़ोटो है बहुत छोटा दिखता है, तो आपका जो जब भी यहाँ पर ख़राब सा दिख रहा है बट आपको उसमें नॉर्मल दिखेगा फ़ोटो। ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोटो पैन कार्ड में छोटा आएगा तो आपका आपको पता नहीं चलेगा उतना। तो यहाँ से इसको ओके कर देंगे, या आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा लो। जैसे यहाँ पर मैंने बढ़ा लिया है, मुझे 30 KB के अंदर चाहिए तो 30 KB में के अंदर आप हाँ ये कर सकते हो 4 क्वालिटी। और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ से आप फ़ोटो देख सकते हो, फ़ोटो साफ भी है। ठीक है, और फ़ोटो का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे डिटेल्स में जाते हैं, देखिए डायमेंशन आ गया 213x213 हाइट वेट एंड आपका जो KB है 300 KB DPI का रिजोल्यूशन हो गया है। और KB भी मैं आपको दिखा देता हूँ, KB देख सकते हैं आप 30 KB के अंडर है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपना जो फ़ोटो है वो इसके अंदर ला सकते हैं 213x213 पिक्सल में ला के आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको डालोगे उसमें अपलोड करोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और आपका पैन कार्ड का जो आपका प्रोसेस है वो आपका फुल हो जाएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।